global advertisers, scaling new heights in outdoor media. बहुत बढ़िया लग रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल माय हार्टफुल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर अ वेरी सक्सेसफुल इवेंट. एंड जिस तरह से ये पलक एंड पलाश जो हैं, ये जो सिंगिंग कॉन्सर्ट जो ऑर्गेनाइज किया गया है, इसका जो थीम है वो एक एंटरटेनमेंट सिर्फ नहीं है, वो एनजीओ को इसका पूरा कंट्रीब्यूशन जो जाएगा, इट्स यू नो इट्स हार्ट टचिंग. एंड सच में इस तरह के इनिशिएटिव से हमारा जो देश है, हमारा जो कल्चर है, उसको एनहेंसमेंट एंड उसको अपरूटिंग अपब्रिंगिंग मिलता है. इट्स अमेजिंग रियली. लाइक आई लाइक ऑल ओल्ड काइंड सॉन्ग्स. लाइक अभी तो म्यूजिक को पूरा एक अलग ही उसमें दिया है सर की. एंड मेरी थिंकिंग इज इज लाइक आई ऑलवेज लाइक टू लव लाइक जो हमें एकदम इमोशनल, बिकॉज आई एम लाइक इमोशनल होती हूँ मैं, तो इसलिए आई लव टू लिसन इमोशनल काइंड ऑफ सॉन्ग्स. एंड पार्टीज में लाइक इट शुड बी अ फुल पार्टी सॉन्ग्स. आई लाइक यू नो दोनों टाइम के लिए अलग अलग सॉन्ग्स होते हैं, तो आई हैव बोथ चॉइस दैट आई विल गोइंग टू लुक आउट टू प्ले आउट. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तन मन धन से, देखो हर एक इंसान का अपना एक कैपेसिटी होता है, हम अपनी कैपेसिटी में जो कर सकते हैं हम करेंगे. आई एम रियली रियली हैप्पी, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ इतने सारे प्यार के लिए. एंड यहाँ पर मुंबई में परफॉर्म करके ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि मैं ऑडियंस के बीच परफॉर्म कर रही हूँ. बिल्कुल लिटरली ऐसा फील आ रहा था जैसे कि मैं फैमिली मेम्बर्स के बीच गा रही हूँ. सो आई एम रियली रियली ग्रेटफुल फॉर ऑल द लव दे हैव गिवन टू मी इवन टुनाइट. जब से कॉन्सर्ट अनाउंस हुआ था तब से जितना एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ था, फाइनली वो एक्साइटमेंट आज रूबरू देखने को मिला. समझो पिछले 18 साल से मैं और मेरा भाई जब भी कॉन्सर्ट्स करते हैं तब सिर्फ हार्ट पेशेंट्स के लिए ही करते हैं. उसका 100% अमाउंट हार्ट पेशेंट्स के ऑपरेशंस के लिए ही जाता है, और उसी सेम कॉज के लिए ये कॉन्सर्ट भी हुआ था. जो पहला बच्चा मदद मांगने के लिए आया था जब मैं 7 साल की थी, तब हार्ट पेशेंट था वो. और उसके बाद जितने भी बच्चे ही आए और इवेंचुअली हार्ट पेशेंट्स ही आए, तो वो हार्ट पेशेंट्स का एक मिशन सा बन गया. और अभी हार्ट पेशेंट्स की ही 17 साल तक के बच्चों की ही वेटिंग लिस्ट है, 421 बच्चों की. सो इसलिए हार्ट पेशेंट्स का मिशन. स्पेशल प्लान्स हमेशा बर्थडे का एक स्पेसिफिक रूटीन होता है. मैं सबसे पहले मंदिर जाती हूँ, फिर कुछ बच्चों से मिलने जाती हूँ, फिर एक ओल्ड एज होम जाती हूँ, फिर अपने परिवार वालों के साथ और थोड़े बहुत परिचितों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ. रॉली रॉली सरप्राइज्ड कि उनको ये पिक्चर्स मिले कहाँ से, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस पिक्चर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट पिक्चर्स थे बहुत सारी जो किसी ने आज तक देखे नहीं है. एंड जब वो स्क्रीन पर प्ले हो रहे थे, आई वॉज रॉली सरप्राइज हाउ डिड ही मैनेज टू गेट ऑल दोज पिक्चर्स. शायद मेरे पेरेंट्स भी उनकी हेल्प की होगी. बट हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल सरप्राइज लगा मुझे, बिकॉज बचपन से लेकर अभी तक का जितना भी मिशन रहा है या जितनी पूरी जर्नी रही है, वो सारे मोमेंट्स कहीं ना कहीं वापस से दोबारा याद आ गए. सो बहुत ही स्वीट, बहुत ही इमोशनल सा सरप्राइज लगा मुझे. मीनी मी आंखों को छुपा के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. हाँ मीनी मी आंखों को छुपा के रख ले, गोरे गोरे गालों को छुपा के रख ले. एवे करीना की, एवे करीना की, एवे करीना किसी दे नाल प्यार. मुंडे या तू बच के रही, नी तू होड़े होड़े होए मुटियार. मुंडे या तू बच के रही. थैंक यू थैंक यू.
सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है ऑडियंस से, तो सबसे पहले तो जानना चाहेगा क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छा फीलिंग है एंड बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत मज़ा आया. एज ऑलवेज हम लोग जब हार्ट पेशेंट्स के लिए गाते हैं तो एक मकसद होता है, तो एक सेटिस्फैक्शन जो मिलता है कि इस शो को देकर एक की जान बचेगी, दैट वाज ऑलवेज देयर. एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आया, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था, पब्लिक मुंबई है, सो ऑफकोर्स ये एक्सपेक्टेड था एंड होपफुली विल परफॉर्म अगेन हियर. इंटरेक्ट करने में पब्लिक के साथ एंड हमेशा मैं थोड़ा रिजर्व रहता हूँ स्टूडियो में, क्योंकि एक म्यूजिक कंपोजर वाला थोड़ा रहना पड़ता है, नहीं तो सिंगर्स बहुत मस्ती करते हैं आके अलग मुछाल सी जैसे. लेकिन स्टेज पे मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, पब्लिक के साथ डांस करता हूँ, सो मुझे बहुत मज़ा आता है. सुपर बर्थडे जो आपने कुछ गिफ्ट या कुछ हाँ जी सरप्राइज, आई लव दिस क्वेश्चन, सरप्राइजेस है, लेकिन हर बार की तरह मैं कुछ नया केक में दूंगा सरप्राइज, हमेशा केक की जिम्मेदारी मेरी रहती है, सो इस बार भी कुछ नया है केक में.